अस्सलाम वालेकुम पॉपुलर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। पॉपुलर यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम यूजर रिव्यू लेके आए हैं प्रोटॉन सागा का। हमारे साथ सागा बॉयज मौजूद है, बिलाल भाई, बिलाल और फरहान। ये हमने गैंग को नाम दिया सागा बॉयज का, सागा क्रू इकट्ठा किया, सागा क्रू इकट्ठा किया। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। तो बिलाल भाई ने पहले दिनों जो है ना सागा ली है, जिस तरीके से ली है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, वो भी डिस्कशन करते हैं अभी। वो कहते हैं ना महबूब आपके कदमों में, पहले खुद डिजाइन किया किसी और के लिए, कहते हैं ना अपने लिए वो चीज पसंद करो जो दूसरे के लिए, जो अपने लिए भी पसंद करो। तो इन्होंने पसंद किसी और के लिए की, इनको मिल गई, तो अब इसके ऊपर सारी डिस्कशन करते हैं। बिलाल भाई कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे? अच्छा, सबसे पहले हम अपने यूजर्स के लिए परचेज डिसीजन से बनने की कोशिश करते हैं। तो ये परचेज आपने बिलाल के वाले साहब के लिए की थी बेसिकली। डिसीजन कैसे चला था? डिसीजन ये था कि मुझे बजट मिला था 25 लाख रुपए का, ठीक है, ऑटो होनी जरूरी थी और डिक्की होनी जरूरी थी, तो देयर वाज फ्रैंकली ओनली वन ऑप्शन। अच्छा, नहीं तो उसमें एल्समैन नहीं आती थी? एल्समैन उस वक्त नहीं आती थी, एल्समैन वाज 27 समथिंग। अच्छा, तो हमने ये अपने लिए बजट ऑब्वियसली बढ़ा सकते थे अगर बढ़ाना होता, ठीक है, लेकिन आई सॉ दिस एंड आई लाइक्ड इट, तो मैंने कहा। बट बजट आपने ही सेट किया था? बजट मैंने ही सेट किया था। हां ठीक है, तो फाइनली आपने डिसाइड किया कि इसको लेने। इसमें जो वेरिएंट है वो ये टॉप ऑफ द लाइन सेलेक्ट करने की खास वजह थी? जस्ट के वैल्यू फॉर मनी थी, इससे नीचे वाला आई थिंक 1.5 लाख रुपए कम था और इसमें बहुत सारी चीजें ज्यादा हो रही थी। इन दैट 1.5 लाख रुपया वो आ रहा था स्टीयरिंग कंट्रोल्स, उसके बाद हिल असिस्ट, स्टेबिलिटी कंट्रोल्स, ये सब कुछ ऐड हो रहा था। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मामलात में ट्विस्ट आ गया जब आपने सिलेक्शन कर ली, बाद में पता लगा कि वो सिलेक्शन आपकी अपने ली थी। हाँ, तो कैसा लगा? यार व्लॉग लगा हुआ है बिलाल के चैनल पे, इट वाज वेरी इमोशनल। मैंने देखा था, मुझे तभी पता लगा कि आपको गिफ्ट मिला है। हां, वेरी इमोशनल, मैं बिलाल से दोस्ती बढ़ाने लगा उसके बाद कि अगला गिफ्ट मेरी तरफ ही है। तो मुझे तो अभी लाइक लिटरली मुझे अक्सर लोग मिल रहे थे सड़कों पे कि वाकई आपको मिल गई गाड़ी, कहते हैं खड़ी तो मेरे घर ही होती है रोज आगे, मुझे नहीं पता। वो हमारे यहाँ पे लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का बड़ा शौक है ना कि शायद जी इन्होंने वैसे ली होगी और व्यूज के लिए बना दी होगा, तो लोगों को ये बताना चाहिए कि अभी भी इंसान ही जिंदा है। नहीं नहीं, जिंदा रखेंगे, अच्छी बात है, रस्म आगे चलती रहे। अच्छा, तो बिलाल भाई अभी बताइएगा, अब आपके पास ये गाड़ी कितनी देर से है? I've had it exactly for about 6 weeks now. 6 हफ्ते हो गए। यार आपने 6 हफ्ते में 7,000 चला दिए? मैं बहुत काम करता हूँ, मैं रोज लाइक इसको 200 किलोमीटर 250। वो फिर तो बेहतरीन रिव्यू होने वाला। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहर के अंदर ही आपको फ्यूल एवरेज क्या दे रही है? इस वक्त इट इज एट 7.5 लीटर्स फॉर 100 किलोमीटर, सो अबाउट 13.3, और मैं इसे थोड़ी सी ज्यादा ही लेता हूँ एवरेज। ठीक है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कंप्यूटर वाला आदमी नहीं, मैं देसी आदमी। हाँ। तो जो देसी झटका तरीका है उससे भी आपने उससे भी मैं कैलकुलेट करता हूँ, जब मैं फुल कराता हूँ टैंक उस वक्त कैलकुलेट करता हूँ। मुझे इससे जो मीटर पे होता है शायद कोई 1 किलोमीटर कम नजर आता है, लेकिन है। इतनी ही एवरेज है, 12 दे रही है आपको शहर। यस यस यस, ठीक है। और लॉन्ग के ऊपर? लॉन्ग पे एक दफा गई है, वो भी ड्राइवर लेके गया था, मैं खुद नहीं था, मेरी वाइफ ने जाना था, उस पे इसने कोई 18 किया, क्योंकि वो उसका पाँव बहुत ही हल्का है, वो 110 पे गया है। अच्छा, ड्राइवर जो है वो जब मेरी फॉर्च्यूनर लेके जाता तो उस पे 11 निकाल देता, तो उसका पाँव बहुत ही हल्का है। अच्छा, तो अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। आपने बताया था कि आपने मार्केट में जब देखा था, तो इसमें आपको कौन कौन सी, अगर मैं कहूँ कि आप भी ये मार्केटिंग मैनेजर फॉर दिस कार, तो कौन कौन सी चीजा चीजा ऑप्शन है जो आप कहेंगे इसमें ये भी है, ये भी और बड़ी चीज है? यार देखो, द फर्स्ट फैक्ट इज कि सेडान चाहिए, स्मॉल सेडान बट अ सेडान, डिक्की वाली गाड़ी, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, स्क्रीन डिसेंट, खैर इसमें मुझे अब मसले हैं, लेकिन ओवरऑल सारा कुछ, अट्रैक्शन कंट्रोल था, पार्किंग सेंसर थे, तो इट गिव्स यू के एक प्रॉपर सेडान वाली फील एंड फीचर्स और सारा कुछ सही। और एयरबैग भी दो हैं? एयरबैग्स भी दो हैं। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ दो तीन चीजें ज्यादा हैं, जो फरहान साहब ने, इनके साथ ये हादसा हुआ था लेने वाला गाड़ी का, तो उसमें ये नहीं था, ये नया है बिल्कुल, ये CKD यूनिट है, ठीक है, वर्सेस CBU। इसमें उन्होंने CBU था, आपका CKD बिल्कुल, 5 चीजें ऐड की हैं उन्होंने, मैंने याद की हुई है। एक तो इंजन के ऊपर स्ट्रट बार है, उसकी वजह से थोड़ी सी ड्राइव स्मूथ है,
इंजन बे पे और डिक्की पे उन्होंने वो फोम की वो पैडिंग कर दी है, ठीक है, जिसको नमदा बोलते हैं हमारे, नमदा बोल। फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऐड कर दिए, पहले सिर्फ बैक पे थे, और ये आर्म रेस्ट ऐड कर दिया। और यूएसबी कनेक्टिविटी आप बता रहे हैं, हां चार हैं, चार पीछे हैं, दो आगे हैं, चार यूएसबी बंदे तो तीन बैठ दे चार ये बस मेरे सब कुछ ही चार्ज कर ले हैं। नहीं लेकिन ये बड़ी बात है, नई सिविक में तो एक भी नहीं। अच्छा एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, मैं सोच रहा था कि जब फीकेडी आएगी ना उसकी जो कैबिन नॉइज है वो ज्यादा होगी, लेकिन इसकी नहीं है, इसमें बड़ा अमीर गाड़ी वाला फील आ रही है। अभी मैं यारिस चला रहा हूं तो उसकी कैबिन नॉइज ज्यादा है इससे। I think वो जो इन्होंने वो नमदा ऐड किया है और सारा कुछ स्पेस वाइज ये थोड़ी विड्रॉल सिम्टम नहीं नहीं अच्छा लेकिन आपस की बात ये कि वाकई इसकी जो मुझे दो तीन चीज गाड़ी की जो पसंद थी जब मैंने इसका रिव्यू किया था, एक तो जब आप इस गाड़ी को चला रहे थे तो एक बड़ी सॉलिड फील आती है आपको, वो जो कहते हैं ना कि बिल्कुल हल्की सी फील कि अगर आप सिटी चलाएं या कोई भी ऐसी और गाड़ी चलाएं आपको लगता है यार बहुत ये आग से उड़ जाएगी, और खास तौर पर मोटरवे पे चलते हुए ये गाड़ी इतनी ग्राउंडेड थी, इसको बिच के चलती है, बहुत बिच के चलती है। अच्छा एक चीज जो है फ्यूल एवरेज मुझे लगता था बुरी है आप, लेकिन आप लोगों के पास कोई नौकरी ड्राइवर है जो बड़ी चीज वो निकाल रहे हैं, तो पार्ट्स के अवेलेबिलिटी का आपने कोई चेक किया जब आपने होमवर्क किया था? सो जहां से मैंने लिया था प्रोटॉन डिफेंस उन लोगों के पास पार्ट्स थे, ऑब्वियसली इसमें अभी शुरू में शायद थोड़े से मसले आए बॉडी पार्ट्स में, बट आई थिंक नए ब्रांड्स को पाकिस्तान में लाना और उनको सक्सेसफुल करना बड़ा जरूरी है। सही है, तो अगर हम नहीं लेंगे ये वाली डिसीजंस तो इवेंचुअली फिर वही बिग थ्री रह जाएंगे। अच्छा नहीं वो ठीक है, बट पार्ट्स की प्राइसेस के बारे में मुझे बड़ा परेशानी है। मैंने पिछले दिनों कल परसों एक दोस्त की सोनाटा लगी है, उसकी हेडलाइट जो है ना 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार है, 2,74,000 रुपए की एक लाइट है, ठीक है, तो इसकी हेडलाइट या इस तरह की पार्ट्स की प्राइस चेक की मैं उसमें मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जो गाड़ियां मैं लेता हूँ और अब बिलाल को ये मतलब दी है तो इंश्योरेंस पहले दिन अच्छा इंश्योरेंस करा के लेते हैं इंश्योरेंस। वैसे अब मैं ये देख रहा हूँ पाकिस्तान में जो गाड़ियों के पार्ट्स के प्राइस है ना इंश्योरेंस इज अ मस्ट, उसके बगैर गाड़ी चलाना तो बिल्कुल बेवकूफी है। इंश्योरेंस भी वो जो मतलब फुल वाली कराता हूँ, पानी का मसला बन जाए, वो बारिश आ जाए, कोई भी डैमेज होगा ना तो आप इंश्योरेंस। चलिए तो बड़ी अच्छी बात आपने याद करा दी, हम लोगों ने पार्क व्हील्स पे इंश्योरेंस जो एक पेज बनाया है, अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी इंश्योर कराना चाह रहे हैं उसमें इस्लामिक जो है तकाफुल वो भी अवेलेबल है, कन्वेंशनल भी है, और आप कंपेयर कर सकते हैं, आपके लिए तमाम लोगों के रेट्स लिख दिए गए हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्स से लें वाई से लें, जो आपको बेहतर लगता है आप लोगों के लिए, हम लोगों ने बेसिकली कोशिश ये की है कि तमाम जो है ना रेट्स तमाम कंपनीज का डाटा एक जगह पे लगा देंगे, तो पार्क व्हील्स के ऊपर इंश्योरेंस पेज बना दिया है। सो आप भी अगर अपनी गाड़ी इंश्योर कराना चाहते हैं तो आप पेज को विजिट करके देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपनीज आपको क्या ऑप्शन दे रही है। लॉ भी है कि जरूरी होनी चाहिए इंश्योरेंस, इन्फोर्स नहीं हो रहा अभी। 1948 का एक लॉ है जिसके मुताबिक आप सड़क पे गाड़ी इंश्योरेंस के बगैर नहीं निकाल सकते। बहुत ज्यादा सुनील भाई आप, मैंने जो फॉर्च्यूनर ली थी ना उस टाइम पे मैंने मतलब पहली बार किसी गाड़ी को इंश्योर करवाया था, सही है। सारी कराई है। अच्छा भाईजन ये बताइए कि इसको आपने खड्डों-शड्डों में चलाया, सस्पेंशन कैसी लगी? इसकी सस्पेंशन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है, मैं इसको बहुत बदतमीजी से चलाता हूँ क्योंकि मैंने सारा दिन ट्रैवल करना होता है, मुझे इसने अभी तक अनकंफर्टेबल नहीं किया, गंदी से गंदी सड़क पे मैं चला लेता हूँ कोई मसला नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस ब्रेकर जो कार ब्रेकर बने हुए हैं वहाँ पे लगती कुछ है? भी नहीं अभी तक, एक दफा भी नहीं नीचे लगी मुझसे। और सीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से कैसी फरहान साहब आपको? ये मेरे लिए अगर मैं बैठा हूँ तो पूरी है मेरे ख्याल से, इतना ज्यादा आप दोनों बड़े कद के आदमी हैं, दोनों माशाल्लाह बड़े आदमी छोटे कद, जब मैं दो दोस्तों के कद छोटे हैं, मिलकर काफी पीछे की हुई है, मैं बहुत पीछे, मेरी ड्राइविंग पोजीशन बहुत पीछे होती है, पीछे ना भी होना तो ये अगर ये सेगमेंट के लिहाज से जिसमें कल्टस वैगनर पिकांटो आती है उसके लिहाज से तो बहुत ज्यादा इसके अंदर। हां अगर हम वो ज्यादा उससे कंपेयर करें तो ठीक है, यारिस यासिर कहने लगा था कोई चीज आप मिस करते हो गाड़ी में, इसमें ये भी होनी चाहिए थी। अच्छा नहीं मैं आई हैव अपग्रेडेड फ्रॉम अ वैगनआर 600 सीसी, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसकी मैं मिस करूं इसमें। नहीं नहीं उसकी नहीं, आप कहते हैं यार 25 लाख रुपए की गाड़ी है, वैल्यू टू मनी वाइज इसमें ये चीज भी देनी चाहिए थी इनको। अच्छा नहीं आई पर्सनली थिंक कि ये वैल्यू टू मनी वाइज 26 लाख समथिंग की होगी, अब ये 26-20 की होगी मेरा पर्सनली नहीं ख्याल। उम्मीद करते हैं जब तक रिव्यू जाएगा तो नहीं गिरेगी। ऑल्सविन में वो सनरूफ बहुत मजे किया, लेकिन वो ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर में भी नहीं है तो हम हर गाड़ी से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ वो मजा की। ये हेड यूनिट कैसा लगा? मैं इससे ज़रा परेशान था। नहीं
आई डोंट लाइक इट एट ऑल, क्योंकि मुझे वो था एंड्रॉइड था, मैं स्पॉटिफाई चला के छोड़ देता था, अब मुझे ब्लूटूथ करना पड़ता है, 10 कॉलें आती हैं बीच में, गाने बंद रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती मुझे। मैंने एक आईपॉड रखा हुआ छोटा सा, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके छोड़ दिया हुआ ताकि मेरा म्यूजिक ना तंग हो। एक चीज बहुत अच्छी है ये, इसका जो स्पीकर जो इसका माइक है ना, मैं पूरा पूरा दिन कॉलें फोन पे डायरेक्ट इसके साथ ही करता हूँ। इसका ये पूरा पैनल जो है ना ये बहुत इंप्रेसिव था, इसकी जो लाइट शाइट भी देखे ना अगर आप, अच्छी लाइट तो बड़ी स्टाइलिश थी, और ये गाड़ी के जो एक फिनिश है ना यहाँ से बड़ी अच्छी है। अच्छा अच्छा बिलाल भाई, बाकी तो गाड़ी की हमने बात कर ली, इसकी फ्यूल एवरेज की, वो एसी परफॉर्मेंस के बिकॉज ऑफ गर्मी माशाल्लाह आने आ गई है, गर्मी आ चुकी है और मजेदार एसी है, लाइक आई एम वेरी कंफर्टेबल इन द कार। पीछे मेरा बेटा बैठा होता है, उसने कभी कंप्लेन नहीं किया कि गर्मी है। हमारी छोटी फैमिली है, मैं बीवी और एक बच्चा होते हैं, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस कार। और इसकी जो बूट स्पेस है, अगर खास तौर पे लॉन्ग पे आपने ट्रैवल करना तो सामान वगैरह इस तरह रिकॉर्डिंग वगैरह पे जाना आ जाता है, इट्स हम पूरा स्टूडियो बिलाल का हमने इसमें मूव किया हुआ है, स्टैंड्स लाइट्स कैमरा सब कुछ इसके अंदर हम डाल के ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल एक छोटे पैकेट में सारा कुछ ऐसा है, अगर इस पैकेज के लिहाज से देखें तो इट्स अ गुड कार। यस इट्स अ ग्रेट कार, वी आर वेरी हैप्पी विद इट। कहानी आपने अभी तक इसकी सर्विस कराई है? मैंने अभी तक इसकी दो सर्विस कराई है, 1,000 और 6,000। पहली वाली फ्री होगी, दूसरी यानी एक एवरेज हम लोगों के लिए पूछे कुछ करते हैं कि एवरेज ऑयल चेंज कॉस्ट क्या करता है? ऑयल चेंज फिल्टर सारा कुछ मिला के 6,850 फॉर एवरी 5,000 किलोमीटर के 5,000 किलोमीटर फिल्टर भी चेंज हुआ। हाँ जी, सो ₹1 समथिंग पैसे बन गया पर किलोमीटर, व्हिच इज नॉट बैड, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं लेकिन बुरा भी नहीं है, सही है। और उसमें अच्छी बात ये थी कि प्रोटॉन का ओरिजिनल सिंथेटिक ऑयल था 530, ठीक है, और इंपोर्टेड ऑयल था सारा। अच्छा, इसकी जो बुक है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है 10,000 चलता है। हाँ, उधर मलेशिया की एनवायरनमेंट के हिसाब से होगा की वाली बात, ठीक है, अगर एक ऑयल कह रहा है 10,000 किलोमीटर तो 10,000 चल सकता है, बट इशू सिर्फ यही आ जाता है कि उसमें हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी गंदा है, तो इसलिए वो टू बी ऑन सेफ साइड लोग कहते हैं किसी का इंजन उड़ गया वो कल को आगे हमें पकड़ेगा, तो वो 10 वाले को खुद ही डिस्काउंट करके 6 पे कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब मैंने ये गाड़ी चलाई थी ना तो मेरी पहली गाड़ी थी मित्सुबिशी लैंसर 1993 में ली थी। हाँ। तो मुझे बिल्कुल इसको चला के फील आई थी कि मैं मित्सुबिशी चला, सुपर सलून, सुपर सलून मेरे पास भी वही गाड़ी। इसकी जो फील थी वो बड़ी लैंसर टाइप की फील है। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की तो मलेशिया के अंदर जो है ना प्रोटॉन काफी जो गाड़ी है वो मित्सुबिशी की इंस्पायर्ड गाड़ी है, और इनफैक्ट उसके पार्ट भी गए थे जो क्रॉस लिस्टेड थे। तो आपको उस लिहाज से टेक्नोलॉजी वाइज नहीं आपने सोचा कि ये गाड़ी जरा पुरानी पुरानी है? सिर्फ जो इसकी पुरानी चीज है ना वो ये सेंटर कॉन्सोल मुझे लगता है कि पुराना है। बलिनो याद आती है? बलिनो याद आती है। मुझे इसका गियर क्लस्टर, वो ये मीटर क्लस्टर बहुत पसंद है। वो बड़ा इट्स वेरी नाइस, सारी चीजें उसमें पूरी यहाँ है। बड़ा मॉडर्न लगता है, यहाँ जब आते हैं ना तो पुराना पुराना लगता है। यहाँ भी एयरबैग आया था, ये बिल्कुल बलिनो की याद ताजा करता है। बिल्कुल ऐसे, तो वो मुझे डेफिनेटली लगता है। लेकिन दैट वाज वन डाउनसाइड जो मैंने चूज किया कि चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोग पाकिस्तान में गाड़ी से ज्यादा प्राइस बॉन्ड लेते हैं, तो खैर ये प्राइस बॉन्ड तो अंकल के लिए ले रहे थे और निकल आपका गया, लेकिन ये जो प्राइस बॉन्ड ले रहे थे लोग, तो उस टाइम आपने ये नहीं सोचा कि यार ये कल को जब बेचने जाएंगे तो रीसेल में ये नुकसान देगी, या कंपैटिटिव प्रोडक्ट में अगर एल्स यारिस ले लूं एल्स में ले लूं तो ये बेहतर चलेगी? अच्छा, सो हमारा बिलाल और मैं जब काम करते हैं ना, एक तो ये है कि हम पिछले 3 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितनी स्पीड से पैसा डिवैल्यू हो रहा है ना, आपको गाड़ी नुकसान नहीं देती। वो अब नुकसान तो देती है लेकिन आपको दुख नहीं होता उतना। नुकसान देती है कंपैरेटिव टर्म में कि अगर आपने यारिस ली होती वो 6 लाख महंगी होती, 1 लाख महंगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसने बढ़ना ही है, डॉलर ने कम होना है, जब हम बेचने जाएंगे तो इतना गंदा वो नहीं होगा। प्लस हम कोई भी गाड़ी ज्यादा सा रखते नहीं है, तो 2 साल के बाद इसको हमने वैसे ही निकाल देना होता है, ठीक है। तो वो आई थिंक 2 साल में ये इतना डैमेज नहीं करेगी कि हम अगली गाड़ी लेते हुए तंग हो रहे हो। सही, थोड़े पैसे और डालेंगे एक और गाड़ी ले लेंगे, बट आई थिंक थोड़ी रीसेल स्लो होगी अगर ये यारिस लेते या कोई और मुझे नहीं अभी मैंने तो अकेली गाड़ी ना रह जाए, बट अब तो सीकेडी आना शुरू हो गया। अच्छा, ये भी न्यूज है मेरे लिए, मुझे आज ही पता लगा कि सीकेडी आ गई, को पहले दिनों कोई लोग मुजाहरे कर रहे थे अपने आप को आग शाग भी लगा रहे थे। नहीं, काफी बुरा था, देर से शुरू कर दी थी लेकिन अब मेरे से ज्यादा करते आग क्यों लगा रहे थे लोग? अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, कल मैंने देखा है प्रोटॉन के पेज पे वो कह रहे हैं कि अब बुक कराए और जुलाई में डिलीवरी ले लें सीकेडी की, जून जुलाई 3 महीने।
वो मिल जाए कह तो पहले भी रहते हैं। अच्छा आपने भी तो गाड़ी ली है यार, इससे मिलती जुलती एक और भी। मैंने तो ऑल्सविन लिया ना। हाँ कंपेटिटिव प्रोडक्ट तो ऑल्सविन लिया। हाँ तो ऑल्सविन को इससे जब आप कंपेयर करें, बिकॉज आप दोनों इकट्ठे ही होते हैं ज्यादातर, तो आप उसमें भी बैठते होंगे, ये भी उसमें बैठते होंगे, कितना को डिफरेंस लगता है? अच्छा ऑल्सविन की कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगी हैं। ऑब्वियसली उसका प्राइस का डिफरेंस भी, मतलब अगर आप वैसे देखें तो 6 लाख लगता है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो एक गाड़ी मतलब 30 की रेंज से नीचे वाली गाड़ियां तो उसमें 6 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट। हाँ मैं तो हमेशा कहता हूं देखें, अगर 30 लाख की भी गाड़ी है तो 6 लाख का मतलब है 25%। एग्जैक्टली, तो उसका मुझे स्टीयरिंग बड़ा मजेदार लगा। सही है। मेरी ड्राइविंग ज्यादा सिटी ड्राइविंग के लिए मैंने वो ली है। सुपर पावर स्टीयरिंग। हाँ और डी शेप भी है ना। डी शेप के अलावा वो स्लो स्पीड पे और बहुत नरम है, और वो जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो वो हो जाता है सख्त हो जाता है। स्टीयरिंग की तारीफ सारे करते हैं। उसमें क्रूज कंट्रोल भी है। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं, इसमें है क्रूज कंट्रोल? नहीं इसमें नहीं है। उसमें है तो वो चीज भी है। सनरूफ भी है उसमें। सनरूफ है। आजकल आगे इलेक्शन आ रहे हैं क्या, शायद वीडियो वाली सरकार ने इलेक्शन लड़ा तो बाहर निकल के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। वो तो मैं आपसे हवर ले जाऊंगा ना। नहीं मैं तो कहता हूं जो यूट्यूबर नहीं करते तो टिकटॉकर नहीं करते, हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। आप वजीर आजम बन जाए, मैं सदर। आजकल मुझे लोगों ने बनाया है फेसबुक के ऊपर के वजीर आजम, मैं वजीर आजम बन जाता हूँ, आप सदर बन जाए, बस इन दोनों को गवर्नर लगा देते हैं, सुकून करते हैं, यूट्यूब का इलेक्शन करा लेते हैं। ऐसे ही है। ये देखे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चेक सरकारी नंबर के ऊपर गो ग्रीन जा रहा है, पूरा पूरा ग्रीन है। अच्छा तो खैर बात होती थी गपशप में, बात हुई कि अगली गाड़ी लेने की, तो आप सुने आप भी गो ग्रीन करना चाहते हैं? गो ग्रीन नहीं, लेकिन लाइक मेरा टेक चैनल है तो आई वांट टू गेट एन इलेक्ट्रिक कार। अच्छा उस हिसाब से लाइक गो ग्रीन का तो नारा तब लगाए ना जब हम बाकी चीजों को सीधा कर चुके हैं। सही सही। लोग बाकी चीजों को तो देख नहीं रहे, दूसरा बिजली तो आती वैसे भी जरा है ना। चलिए फिर आप लेते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो फिर उसका रिव्यू बनाते हैं इंशाल्लाह। वो बड़ा पर्टिनेंट होगा लोगों के लिए कि भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के क्या क्या मसाइले हैं। हमारे जो पार्टनर है रजा साहब, उन्होंने ली हुई है, अगला भी हमने उनका भी बनाना है रिव्यू। रजा के पास ईट्रॉन है और उसका हमने लाइव बताएंगे कि क्या क्या मसाइल है, क्या क्या नहीं है, रेंज एंग्जायटी होती है या नहीं होती है, तो उस रिव्यू पे भी इंशाल्लाह जल्द बताएंगे। आई थिंक रेंज एंग्जायटी के अलावा ईट्रॉन वैसे बड़ी मजेदार गाड़ी है। आई थिंक सबसे बड़ा मसला यही है कि आप दूसरे शहर नहीं जा सकते, मतलब उसमें तो रेंज एंग्जायटी होगी होगी। हाँ जी शहर के अंदर ठीक है, बट वो कभी कभी होता है कि अगर आपके पास प्लान नहीं है, आप हर वक्त तो नहीं प्लान करके रह सकते। समझे आपके मोबाइल की बैटरी है, आप हर वक्त तो 100 नहीं रह सकते। और आपको फर्ज करने जरूरत पड़ गई, किसी ने कहा कि चलो दोस्त ने खाना खाने जाना है, और आप आए थे कि चलो यार मैं घर जाके चार्ज कर लूंगा, उसमें 20 किलोमीटर की रेंज है और 40 किलोमीटर का रास्ता है, आप हमें अगर गलती से बुला लें अपने घर लाहौर से बाहर आपको कह रहे हैं ना, लाहौर से निकलते निकलते आपको कह रहे हैं वहाँ आने जाने में 40 किलोमीटर, तो उसमें हम नहीं जा सकते। तो उस तरह की चीजें हैं वो हम उस रिव्यू में बताएंगे। अच्छा यार आप ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं, आप नए नए पंगे लेते रहते हैं, सुने आपने कोई नई कंपनी भी शुरू की है? हाँ जी मेरी और बिलाल की एक नई कंपनी है 1 Degree Media के नाम से। ठीक है। तो बेसिकली उसी की ही एक मीटिंग के लिए बिलाल जा रहे थे। सही है। गाड़ी जो थी वो भाई की जवाब दे रही, वही में मैंने डिसाइड किया कि ये तो नहीं हो सकता, ये नुकसान बड़ा हो जाएगा, नुकसान बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैंने गाड़ी का डिसाइड किया। तो 1 Degree Media मैनेजर्स यूट्यूबर्स। ठीक है। तो अगर कोई ब्रांड है उसने यूट्यूबर से कोई काम करना है, सर आप तो खुद ब्रांड है ना, गिफ्ट भाई तो खुद ब्रांड है, गिफ्ट याद रखिएगा। हम छोटे छोटे यूट्यूबर कहते हैं ना, निकालों से होशियार रहे और गिफ्ट की सूरत में मुझे याद रखें। तो वो जो है ना, कोई अगर ब्रांड है उसने यूट्यूबर से कोलैब करना, तो वी आर द सेंटर, ताकि ब्रांड को भी कोई मसला ना आए और कोई यूट्यूबर। गुड लक फॉर द कंपनी जी। और अगर आप टेक रिव्यूज देखना चाहते हैं तो वीडियो वाली सरकार को सब्सक्राइब करें। बिलाल हमें गाड़ियों के, हम आपको गाड़ियों के बारे में बताते हैं, बिलाल हमें फोन्स के बारे में और तमाम टेक डिवाइसेस के बारे में एक वास्ट नॉलेज रखते हैं, और आपको अपने चैनल के ऊपर जो है आने वाली तमाम डिवाइसेज के जो है ओपनिंग भी करके बताते हैं, उनके स्पेक्स भी बताते हैं। तो अगर अभी तक आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इनकी जो वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। तो ये था आज के रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू में भी कहा था, एंड पे फिर कह रहा हूँ, अगर नहीं अभी तक किया तो कर लें, एक सेकंड लगेगा। और आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बिलाल भाई, आपके लिए गिफ्ट है पार्क व्हील की तरफ से। पार्क व्हील ने अपना लॉन्च किया नया, तो आपने गाड़ी अगर साफ करी ना इंटीरियर का, तो आपने इसको यूज करना और आपने फिर बताना है हमें कि कैसा काम करना है। ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आप मुझे वीडियो बना के भेजिएगा। हाँ। और असल में बना के भेजिएगा क्या हुआ, अगर बुरा भी हो तब भी बताना है कि इंप्रूव होने की क्या क्या पॉइंट है, अगर अच्छा है तो पॉजिटिव क्या है। नहीं नहीं, वो पहले छीले की नहीं लेकिन जो भी है, फिर आपका रिव्यू आपने मुझे बताना जरूर जरूर। इसके अलावा पार्क व्हील्स ऑटो शॉप का हम लोगों ने एक यूट्यूब पेज भी बनाया है, जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट की डेमोज भी देख सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन प्रोडक्ट की डेमो देखने में, तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।